वो कहते हैं ना कि जब नीयत साफ हो तो फिर रास्ते जो है वो खुद ब खुद जो है हमवार होने लगते हैं। और जैसे कश्मीर प्रीमियर लीग के पीछे जो एक कॉज है और जिस तरह जो मैनेजमेंट केपीएल की है जिस तरह लेकर चल रही है लीग को, तो रास्ते जो है वो खुद ब खुद हमवार होना शुरू हो गए हैं। और जो गुड न्यूज है केपीएल के बारे में, बहुत ही बेहतरीन न्यूज है, क्योंकि पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि जो केपीएल में प्लेयर्स हैं वो ड्यू टू अदर लीग्स जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, और पीसीबी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं वो भी अवेलेबल इस लीग में नहीं होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो रास्ते हमवार होना शुरू हो गए। तो इस वीडियो में हम थोड़े से उन खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो अब केपीएल में हमें नजर आएंगे, ड्राफ्ट में जो उनका नाम होगा, और किस तरह केपीएल जो है वो एक मजीद पहले सीजन से एक बेहतरीन जो है वो लीग बन रही है। तो पहले आपको गुड न्यूज, बल्कि दो हैं, एक साथ करके गुड न्यूज दूंगा। पहले तो पीसीबी के जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी थे उनमें जो 33 थे उनमें जो रेड बॉल प्लेयर्स थे जो इस टाइम जो नीदरलैंड का स्क्वाड होगा उसमें जो वाइट बॉल स्क्वाड होगा उसमें जिनका नाम नहीं होगा उन खिलाड़ियों को पीसीबी ने इजाजत दे दी है कि वो केपीएल के जो सेकंड एडिशन है उसके ड्राफ्ट में उनका नाम शामिल होगा। नाम अगर मैं आपको बता चलूं तो अजहर अली उनमें शामिल है, फवाद आलम शामिल है, नुमान अली शामिल है, उस्मान अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो शामिल है, हसीबुल्ला है, और आबिद अली और मोहम्मद हुरैरा उनमें शामिल है। मोहम्मद हुरैरा ने जो है वो ट्रिपल सेंचुरी अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास में शो की थी। आबिद अली ने जो है वो जाहिर सी बात है वो कमबैक कर रहे हैं, अपना एक उनको हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उसके बाद में वो कमबैक कर रहे हैं, तो केपीएल में उनका नाम होना बहुत ही एक शानदार बात है। फिर अजहर अली जैसे, फवाद आलम जिस तरह, चाहे वो एक रेड बॉल प्लेयर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो नेशनल ड्यूटी पे मौजूद नहीं होंगे तो केपीएल में उनका नाम आना और फिर एक बड़े नाम केपीएल के साथ जुड़ना ये भी एक बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा लीग के लिए। ये तो खैर एक सेटल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों के हवाले से बात होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि जो लंका प्रीमियर लीग है वो अब होगी है पोस्टपोन और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि जो खिलाड़ी ड्राफ्ट हुए थे पाकिस्तानी लंका प्रीमियर लीग में वो अब केपीएल में जो है हमें मंजर यहाँ पर नजर आएंगे, एक्शन में नजर आएंगे, जिनमें से इमाद वसीम है, सरफराज अहमद है, फहीम अशरफ है, आसिफ अली, आजम खान, उस्मान शिनवारी, शाहनवाज दहानी, हैदर अली और शुएब मलिक जो मीरपुर रॉयल्स की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये तमाम खिलाड़ी जो बड़े बड़े स्टार हैं जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड थे जिनमें थोड़ा सा था शक के भाई उनको शायद इजाजत पीसीबी ना दे, उनको भी इजाजत मिल गई खेलने के लिए। और जो 9 खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग में जो ड्राफ्ट हुए थे अब केपीएल में हमें एक्शन में नजर आएंगे। कंप्लीटली अवेलेबिलिटी है इन जो 7 खिलाड़ी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड थे और 9 खिलाड़ी जो एलपीएल में ड्राफ्ट हुए थे, तो ये जो तमाम 16 खिलाड़ी हैं बड़े बड़े नाम जब हमें केपीएल में नजर आएंगे, तो एक बड़ी लीग जो पहले एडिशन में हमें था कि शायद एक बड़े बड़े नाम हमें शायद नजर नहीं आ रहे, लेकिन अब जो सेकेंड एडिशन है उसमें पहले एडिशन के तो खिलाड़ी खेल ही रहे होंगे लेकिन जो बड़े बड़े नाम जो मिसिंग थे वो भी अब हमें सेकेंड एडिशन में नजर आएंगे। तो जिस तरह बड़े नाम बड़े ब्रांड इस लीग के साथ जुड़े हैं, तो जो लीग खुद कश्मीर प्रीमियर लीग है ये भी अब बड़ा ब्रांड बनने जा रही है। और एक तरह से एक खुशाइन बात जहाँ ये है कि पाकिस्तानी के जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं वो बड़े नाम हमें यहाँ नजर आएंगे, तो एक थोड़ी सी एक बैड न्यूज भी है, लेकिन खैर उससे मेरे ख्याल से इतना बड़ा कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इस लीग में हमें मोस्ट लाइकली 99% चांसेस है कि वो हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो फ्रेंचाइज है उन्होंने ये पीसीबी ने जो केपीएल को जो एनओसी दिया है उसमें ये शिक रखी है कि जो 5 साल पहले जो रिटायर हो चुके हैं फॉरेन खिलाड़ी से वो उनको इजाजत है ड्राफ्ट में शामिल होने की। तो केपीएल की जो फ्रेंचाइजी हैं वो अब इंटरेस्टेड नहीं है कि 5 साल पुराने खिलाड़ियों को क्या उनका जो है वो नाम पिक करना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं या वो उस तरह खेल नहीं रहे होते सर्किट में। तो लेकिन एट द सेम टाइम एसोसिएट नेशंस के जो करंट खिलाड़ी हैं पीसीबी को दरख्वास्त किए केपीएल ने कि उनकी इजाजत दें और वो हमें ड्राफ्ट में चाहिए। तो 21 जुलाई को ये ड्राफ्ट है इस्लामाबाद में ये होगा। फॉरेन खिलाड़ी जो है वो पिक नहीं होंगे केपीएल में, लेकिन फॉरेन खिलाड़ी शायद एज ए मेंटोर हमें जो है वो पवेलियन में नजर आए केपीएल के फ्रेंचाइजेस के साथ। तो गुड न्यूज है केपीएल के लिए, मजीद बेहतर ब्रांड बन रहा है, मजीद बड़ा जो है वो ब्रांड बन रहा है, और हम उम्मीद करेंगे कि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा कॉज है कश्मीर प्रीमियर लीग के पीछे, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये इसी तरह बड़ा ब्रांड बनता रहे और पीएसएल भी जो है वो बड़ा ब्रांड बनता रहे। पाकिस्तान क्रिकेट के जो है वो दोनों ब्रांड है और इसी तरह जो है वो मजीद पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो फरोग होती रहे। हजारों खिलाड़ियों ने, कश्मीरी खिलाड़ियों ने केपीएल के ड्राफ्ट में जो है वो अपना नाम रजिस्टर करवाया। तो इसी तरह मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।